तो गाइज सबसे पहले मैं अभी आया हूँ अली बिन अबी तालिब स्ट्रीट हय्यत जामिन में एक रहाब रेस्टोरेंट के अंदर। और यार इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं आई थिंक मैं से तो सुबह का नाश्ता कर रहा हूँ, दोपहर कुछ भी नहीं खाया। और एक्चुअली क्या है कि अभी ड्यूटी भी नहीं लगी थी तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा ड्यूटी जाने से पहले जो है टेस्ट कर लें। तो यहाँ से बनवा रहा हूँ मैं फलाफल सैंडविच, और यहाँ से जो है फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगा मैं। देखना यह है कि टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं। वैसे देखा जाए तो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रंट पर लगी हुई उधर, तो इसलिए गाड़ी के अंदर तो टेस्ट होगा नहीं, बाद में ही होगा शायद, लेकिन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ थोड़ा बहुत टेस्ट। और इधर हो रहे हैं रेडी फलाफल। वैसे यहाँ पे एक बात ठीक है, जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया दो फलाफल सैंडविच का, तो उसमें जाहिर सी बात मतलब कि 8-9 पीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अभी रेडी कर रहे हैं उधर, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा। और ये हैं अबू साला यरहबकुम रहाब, देख रहे हो ना ये जनाब हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई, ये जो प्लेट दिख रही है ना सऊदी नकल, ये टोटल नंबर प्लेट जो पहला हुआ करती थी लगभग कई सौ साल पहले आई थिंक, तो पहले जो है नंबर प्लेट कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। तो उधर रेडी हो रहे हैं अपने फलाफल सैंडविच, बाकी चीज़ें जो उसमें ऐड कर दी गई हैं। अब बाकी है अभी इधर से फलाफल निकल रहे हैं, काफ़ी तब्दील नज़र आ रहे हैं, मतलब कि काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है बाकी जगह से फलाफल में यहाँ पर। अब देखना ये कि यहाँ के फलाफल का टेस्ट होगा क्या। सर 4 पीसेस रख दिए हैं, मतलब कुछ एक नया तरीका है इनका बनाने का फलाफल सैंडविच। और ये गए बताचस, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश। और अभी फ़िलहाल स्टारबक्स से मैंने रेडी करा लिया इधर वाइट मोका विथ क्रीम है, तो मैं जो यहाँ से जो है विथ क्रीम ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर क्रीम है इसकी, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और वो जो है गाड़ी के लिए है देख रहे हैं ना उधर, और ये अपना है। तो फाइनली गाइस अभी आ गया हूँ मैं ड्यूटी से फ्री होकर रूम के करीब में, और अपनी कॉफ़ी जो है आधी बची हुई है, क्योंकि बस इतनी ड्यूटी लगी थी मेरी कि स्टारबक्स जाओ कॉफ़ी पी के आओ, लेकिन इसमें भी लगभग एक घंटा मेरा ख़राब हो गया। और सूरज की लाइट इतनी तेज़ पड़ रही है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, क्योंकि अभी मेरे पास नज़ारा नहीं है ना। तो अभी बस आगे हूँ मैं रूम के बिल्कुल जस्ट बाहर, तो इसलिए इस वाली कॉफ़ी का हम करेंगे इंजॉय। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, असर के बाद। तो गाइस अभी रात के 11 बजे को मैं आ गया हूँ होटल के अंदर, आज मेरे साथ एक बंदा और है, अभी दिखा दूंगा। वैसे मैं ट्राईपॉड जो लेके नहीं आया, गाड़ी में ही छोड़ आया। वैसे सही सेटअप हो गया, मतलब कि ट्राईपॉड ना होने की वजह से मैंने मोबाइल जो है स्टेबलाइज कर दिया, बस थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि इधर जो है ये फ्रीज़र भी चल रहा है, और वैसे भी अंदर का शोर ज़्यादा है, रस ज़्यादा है ना इसमें। वैसे यार यहाँ पर गरम गरम रोटी है माशाल्लाह, और ये रोटी पता कितने दिन के बाद खा रहा हूँ मैं, सच में पता लगभग 2 साल के बाद, 2 साल के बाद खा रहा हूँ ये रोटी इस वाले होटल में। मनीष भाई इनको जानते हो क्या? कौन बंदा आइए, पता ना कहाँ से आ गया ये बंदा उठ के। वैसे यार ये रोटी जो है ना, ये सच में ये तंदूरी रोटी है, और ये मैं खा रहा हूँ लगभग इस वाले होटल की 2 साल के बाद। और एक आ गई है हमारी दाल, एक आ गया बीफ मसाला, और एक आ गया हलीम। तो इधर हमने ऑर्डर किया था हलीम एक, इधर दाल, और इधर है बीफ मसाला, और बाकी जो रोटी है। अब जल्दी से जो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। तो ये वाइट बनाई हमने, थोड़ा सा बीफ का पीस ले लिया है, ऊपर से दाल ले ली, इधर से दाल स्टफ कर लिया, उसके बाद ये ठीक है ऑलमोस्ट कम खाने के लिए। अब ट्राई करते हैं हलीम इनका। हलीम थोड़ा लग सा गया नीचे, जैसा होता है ना सालन लग जाता है नीचे, बस इस तरीके की इसमें खुशबू आ रही है। और ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, तो नीचे का बच्चा है, इस वजह से भी आ रही है थोड़ी सी खुशबू। एक बतातस, तुम सत्ता केचप डला के, अरे एक ही ले लो बस, एक है बस, वो बतातस ही है बस, एक ही चाहिए। तो तुम थोड़ा ज्यादा डाल देना, तुम सत्ता केचप। अरे नहीं यार इधर ही इधर ले लो ना इधर। तो भैया मेरा होना बज रहा हो ना उधर है, इन वाली रिंगटोन से बड़ा डर लग गया यार। तो
गाइस क्या है कि कल रात हम जैसे कि इधर उधर घूम का है उसके वास्ते जो है ब्लॉग जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि आसिफ भाई के यहाँ से आते आते जो है काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन अभी सुबह के लगभग अभी बज चुके हैं 7 और फ़ोन आ गया कि नाश्ता करने के लिए जो है बाहर जाना है। अभी जो है बाहर जा रहा हूँ नाश्ते के लिए, अभी क्लियर कुछ पता नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं। बहरहाल फ़ोन आ गया है, अभी जो गाड़ी हीटिंग हो रही है, तो मैंने सोचा कि इतने जो है ये ब्लॉग जो है कंप्लीट कर लिया जाए। वैसे आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे पर, क्योंकि वीडियो जो है ज़रा भी एडिट नहीं हुई हुई है, लेकिन क्या करें फ़ोन आ गया तो जाना पड़ेगा, दूसरी बात नाश्ता तो करना पड़ेगा ही ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है, और एंड थैंक यू सो मच आसिफ भाई का रात इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट करने के लिए, बेहतरीन वाले बतातस खिलाने के लिए। तो आज के इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और यल्ला मा सलामा।